लो। अरे उबलती उबलती तार लाई फूकेगी मने पूरे दर्जे। पता नहीं क्या देखो सवेरे सवेरे अखबार में। तेरा थोबड़ा देखा था अच्छा, दुनिया की खैर खबर का ब्यौरा पट गया इसमें। जो इतना ही बुरा था ये थोबड़ा, तू ब्याह के क्यों लाए थे उन्हें? मैं के ब्याह कर लिया था, तेरे माँ बाप ने उस दिन दही भल्ले में घोल के रखे खिला दिया, न्यू डूब गया मैं तो। वो दही भल्ले मेरी फेवरेट डिश है और इतने प्यार से मैंने आपके लिए बनाई थी। अच्छा जेबे तो काट की छह फुट के छोरे ने। सुनो जी, हद से बाहर जा रही है ये बात। फिर मैं भी दिल्ली वाली हूँ, पता नहीं क्या कर दूंगी। फिर ना कहिए मने दो जोन से सांप काट ले, काट ले। हम भी हरियाणे वाले हैं, हम कहीं यूं दबा करें। आज तक तो मैं दबे नहीं, 40 साल हो गए, इतना कूद दी है और कूद ले, कितना कूदेगी। अल्लाह अखबार भी तुम्हें पढ़ ले। क्या करोगे मेरा? मैं सारा कुछ कर दूंगा। क्या बताओगे? मैं कहा सारा जानूंगा मैं, बताना है। अच्छा हाँ। मैं अभी बता दूंगी। तो जानने नहीं मैंने फिर। बस करो मन पापा, सबे सब लड़ाल स्टार्ट कर दिया आप लोगों ने। ये बेटा इबे तो तमसा था, इबे तना ने पानी घेर दिया। बेटी मैंने नहीं लड़ाई शुरू करी थी, ये इन्होंने करी थी। देख कुकर खागड़ी डाल दो खा मेरे कन्नी। सुमन मेरे से ना अभी इनकी चाय बनती ना ही रोटी है, मैं अपने हाथ घिसाने वाली नहीं हूँ। हाँ तेरे हाथ के टिकड़े खाकर राजी भी कौन है, और कौन तेरे पर चाय बनवावा है? आप तो इतना कुछ खावे काले बाल करे बैठी भी, और मैं तेरे जले भुने टिकड़े खिला के गरड़ा बना दिया। नहीं मैं क्यों चुप करूंगी भाई, 40 साल निकाले 40 साल। बस करो मम्मी पापा, रोज रोज की लड़ाई देख के मैं तंग आ चुकी हूँ। अब मैं जॉब पे जाऊंगी कि आप लोगों की लड़ाई संभालूं। फिर अब मैंने इस घर में नौकर रख लिए हैं, अब लड़ाई मत करो। पर ठीक है, इसके हाथ की खून खाकर राजी था। देखूं कोई दरवाजे पे आया है। मेरा नाम सुखीराम, सुख देना मेरा का। मम्मी पापा फिर आप लड़ाई स्टार्ट कर दें। सुखीराम ये मेरे पापा, ये मेरी मम्मी। राम 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 भाई राम राम। चौधरी साहब मेरा नाम खुशी राम है, और जिस घर में जाऊँ ना वो खुशियाँ खुशियाँ घूमस है। अरे भाई 40 साल हो गए इस घर में, मैंने तो सुख देखा ना। अच्छा यार दौड़े पानी दिता ही नहीं इस घर में, इस ना पानी छोड़ बरकत ना न्यू टाइप। अच्छा तुम भी किसी राहु केतु से कम नहीं हो। तुम जाने राहु केतु ना? जानती हूँ, जिस दिन से मेरी जिंदगी में आए हो ना एक एक दिन खराब ही बीता है, अच्छा नहीं बीता। ये बाप के घर में सुखी राम आ गया है, ये बाप के घर में ना मोजा 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 चक्कर काटेगी। जा रही हूँ मैं अपने मायके। मम्मी कोई कहीं नहीं जाएगा। ओहो आज मैं फिर लेट हो गई। जाओ ना फिर बेटा। सुखी राम चलो तो मैं तुम्हारा काम समझाती हूँ, पापा मैं आपको शाम को मिलती हूँ। ठीक है बेटा ठीक है। मेरे तो बेटी का घर है। मेरा भी बेटा का घर है। मेरी बेटी का तो तेरे बेटे ने नाश मार दिया। तेरी बेटी ने भी इस घर का नाश कर दिया। उसने नाश मार रखा आपका बेटे ने। सबके घर में ये क्लेश हो रहा है। कल का थोड़ा बूढ़ा दिखना है क्या? तोड़े बाल कर दिए उसके, और इतनी बलि होंगी थोड़ा लेकर किराए मकान में नहीं बैठी शहर में। बैठी रह रही शहर में तो फिर क्या हो गया, यहाँ तो दुनिया बसन लग रही शहर में। ठीक से तेरा जिसे माँ बाप हो ना तो बस लिए दुनिया के कर। तो बेटा भी कम नहीं है उसको भी समझा। आपने सारी बात बेरा है, मेरे घर में इलेज घर रखा है ना, या पसती है ना मैंने पसंद दी थी। सिखा लो अपने बापू को ना पसी आज तक ना मैं पसंद दिया। ये तो बापू बेटा ऐसे ही है, सारा दिन ही इसको सिखाने में लगे रहते हैं आप। अभी अब थक गए
आइयो ना, चलो हमको चाय पिए। हाँ पी लो पी लो। मैं तो दोनों आप ऐसे घूमते रहते हैं। महाराज जी काम देख ले पापा। भाई इसमें मैं क्या करूँ, वो तो तेरी माँ ने कहा थी आग में जा बालका ने समय हल्का देख का वहाँ के कर रहे हैं, राजी भी है खुशी भी है सुखी है कि नहीं है, उन्हें आके देखा यहाँ तो बड़ा क्लेश हो रहा है, माँ बाहर छिड़ी हुई है, वही उसकी माँ आग लान लग रही है, घर नहीं पसंद देनी तेरा। भाई बात सुन ले, मेरा नहीं एक मिनट भी जी लगता उरा, मैं चल यार मैं तो काम में ठीक हूँ। पापा सुन तो बात सुन, मैं नहीं सुन पाई बहुत गर्मी है तो गर्मी तो है पर मैं क्या करूँ माँ, पहले बता देना था ना इतनी गर्मी। नहीं माँ सॉरी, आपको बहुत गर्मी लग रही होगी ना, मैं कूलर का एक नंबर और बढ़ा देती हूँ ना, आपको अच्छा लगेगा, थोड़ा ठंडा हो जाएगा माँ। बहुत ज्यादा गर्मी आ तो तू फिर तो पहले बता दी, मैं ऐसे ही लेके आती वहाँ से। सॉरी माँ मैं क्या करूँ, आपको इनका पता तो है बहुत गर्मी है। हेलो हाँ जी मैं शांति देवी बोल रही हूँ। ओहो आज कितनी पार्टी थी, मेरे को तो पता ही नहीं था। चलो कोई बात नहीं मैं आ जाऊंगी, दो तीन घंटे में आ जाऊंगी क्योंकि बेटी के पास बैठा आई हुई थी मैं भी। ओके बाय बाय। अच्छा बेटी वाह, सुमन को तो आने दो, उससे भी तो मिल के जाओगी ना तुम। कोई बात नहीं वो मेरी भी बेटी है, मैं मिल लूंगी बाद में। नहीं माँ मैं नहीं जाने दूंगी उसको, अपना लंगूर को ना अच्छी तरह से बांध कर रखा ना, वो कहाँ बन के रहते हैं। कोई बात नहीं अपने टीला चलती हूँ कोई नहीं। मेरा पापा तेरी वजह से नाराज हो गया है। मेरी माँ भी नाराज होके गई है। क्यों आपने क्या किया? क्योंकि हमारे घर में एसी नहीं है, उन्हें बहुत गर्मी लग रही थी। मेरा बाप बना ठंडा सिवा हो गया, उसने तो गर्मी लग रही थी, हमने तो ना लग रही थी थोड़ा गर्मी। मेरी तो इंसल्ट होगी ना जी, एसी नहीं है हमारे घर में, बताओ दिल्ली की रहने वाली एसी नहीं है, ऐसे गुजारे कर रही है आपके साथ में। अच्छा इसी बात में इंसल्ट होगी? नहीं होगी, माँ को पता है कितनी गर्मी लग रही थी, वो तो उनका फोन आ गया किटी पार्टी का, इसलिए उन्हें जाना पड़ गया, अगर वो थोड़ी देर और रुक जाती वो तो बेचारी पसीने में तर बतर हो जाती ना। मेरा बाप उनसे ठंडा सिला हो गया होता, वो भी जो कति बड़ा गया जुड़े में। चौधरी साहब सुखी राम क्या का सीढ़ा पानी पी लो, दोनों सीढ़े हो जाओ। मैं इतना ही सुनो एलर्जी लगा। मुझे नहीं पीना, इन्हें ही पिलाओ पानी ठंडा। पीले ठंडा पानी है। पीले चौधरी साहब पीले। ओ मम्मी पापा मैं तो आपकी सुबह से लेके महाभारत से परेशान हो चुकी हूँ, जैसे सुबह छोड़ गए थे वैसे ही पाया। आज तेरे दादू आए थे, पता कितने नाराज हो गए, चले गए उल्टे पैर गांव चले गए वो। सुमन तेरी नानी भी आई थी और पता है वो क्यों चली गई? क्योंकि हमारे घर में एसी नहीं है, बेचारी पसीने में तर बतर हो गई, इतनी इंसल्ट। तो फिर आप लोग क्यों लड़ाई कर रहे हो, क्यों बहस कर रहे हो आप लोग? अब एसी होता हमारे घर में तो नानी जैसे मिल के जाती ना बेटा, समझा इन्हें समझा। ना नोमन तेल होगा ना राधा नाचेगी, ना इस घर में एसी होगा ना तेरी नानी ठहरेगी। आप लोगों की लड़ाई खत्म करते करते मैं तो खुद पागल हो जाऊंगी, मैं तो परेशान ही हो गई हूँ। सुखी राम पानी दो मुझे भी। मुझे काम पता रहा था बस। चल फिर अपने काम पे। अच्छा जी अच्छा। अरे ओ पुजारण तने दिखता नहीं, मैं तड़की ना गया था, ये फिर तने मेरे कपड़े पे दिए बनी फिर भगतनी, मैंने तो कुछ जानती नहीं, तड़की ठा खड़े से लोटा तालियां फिर पकड़ी है। इतना तंग कर रखा है गाय ने, दवाई मंगाई थी वह भी ना लाई, और तड़की तड़क में सूखा साका नड़ा दिया। पापा क्या सुबह सुबह शुरू हो गया? यू देख सूरज का नी पानी का नाका तोड़ रखा था, रात में देखा
देख बेटा गुस्सा क्यों नहीं करूं मैं, देखिए क्या हो गया। कोई बात नहीं, वो भी तो आपकी पत्नी है, क्या हो गया? ये पतना था यू। चलो कोई बात नहीं, चलो आओ पतना। आप आपका क्यों टेंशन ले रहे, चलो बैठते हैं हम, छोड़ो सारी बात। छोड़ू? छोड़ ना, तेरी मम्मी ने मैं सुखी नहीं हो जाऊंगा। छोड़ो ना पापा बात को, क्यों गुस्सा कर रहे हो आप? छोड़ो और क्या, तेरी मम्मी ने पहला छोड़ दिया ही, छोड़ दूं उसने मैं। चलो कोई बात नहीं, मेरे को जॉब के लिए रेडी होने जा रहे हैं, मैं जाऊं? जाओ, गुस्सा तो नहीं करोगे? और ये दिमाग को ठंडा रखो आप। चलो ठीक है, आप जाओ। ठीक है पापा। लो जी आपकी दवाई। हाँ? अरे पतिव्रता, ये एक्सपायरी डेट की दवाई है, इसने देखा मना मारेगी के तू। अच्छा जी, आप ही तो कहते थे खर्चा कम करो, तो मैं ले आई इसको। आपकी वाली दवाई पता है कितने की थी? पूरे 150 रुपए की, और ये 50 रुपए की आई है। हाँ, फिर इसमें 50 रुपए लाने की जरूरत थी, मुझसे गोली दी आंदी 5 रुपए की आज। अच्छा जी, आगे से चौधरी साहब, मेरा नाम सुखी राम से, 150 की दवाई रखू सो, फिर तो बता दिए क्या की चाहिए। 9-2-11 होने की तैयारी कर ले। पापा क्या कर रहे हो? वैसे ही बैठा, कैसे नहीं कर रहे हैं? अच्छा पापा, मैं आपको एक बात बोल रही हूँ कि मेरे ना फ्रेंड का फोन आया था। अच्छा, तो अपने घर में गेस्ट आ रहे हैं। अच्छा अच्छा, और प्लीज आप झगड़ा मत करना मम्मी के साथ। मैं कहाँ झगड़ू उनके लिए, वह सिंह पंजाब फिर जावे। प्लीज पापा एक बात, झगड़ा मत करना, प्लीज आराम से बात करना। ठीक है ठीक है, मैं जॉब पे जा रही हूँ, शाम को मिलती हूँ। सुन दे, इन्हे ले जा, बाहर बगा दिए रखड़ी नदी में। हाँ जी, जा दे दू। अरे तू जा, खोया जाना। अच्छा जी, अच्छा। अरे खुशिए भाई, चाह लिया? चौधरी साहब चाह पानी तो पी लेंगे, मैं तो कुछ काम आया था आपके द्वारा। कोई बात नहीं, काम की बतलाएंगे। अरे लिया ना, कितना गया? चाह लिया ना, तो सब चाह मंगा दो, चाह पी के बतला लेंगे। अरे या हमें जुरा लो जी, लो लो चोर साहब, जाए लो लो चोर साहब। चौधरी साहब बात नहीं हो सकती, मैं आपकी बेटी सुमन का रिश्ता अपने बेटे राहुल खतर मांगन आया सुन। याद बड़ी खुशी की बात है, मने यू मिल गया भाई मनोज। अच्छा। यू रिश्ते रास्ते करांदर का बचोला है, मने इस तरह क्या भाई शांति प्रिय घर चाहिए कति। इसने बताया कि चौधरी साहब का है छोरी, और उन तो शांति प्रिय घर कितने सह को नहीं। मारा घर शांति में तो कोई बराबरी नहीं कर सकता, शांति शांति बड़ी है। उसको सभी से रिश्ता मैं चाहूँगा, मारा घर तो शांति तई साहब भरपूर भर रहा है, शांति शांति हमारे तो गुस्सा ही नहीं शांति। ये दवाई मेरे लिए भेजी थी ना, मैं खाऊंगी इसे, बहुत अच्छा। इससे अच्छा तो ये बोल दो फांसी लेके मर जा, मर जाऊंगी मैं। चलिए मैं अपने मायके घर। चौधरी बीर सिंह, शांति तो थारे घर में खूब है, पर बात यू है मैं जरा जाकर थोड़ा सलाह करके और फिर बताऊंगा रिश्ते के लिए। अच्छा, राम राम चोर साहब। हेलो। हाँ बेटा। हाँ हेलो मम्मी, मैं ना सुबह आपको ना बताना भूल गई। क्या? कि घर में ना गेस्ट आने वाले हैं। गेस्ट आने वाले जी? अच्छा फिर, और आप प्लीज पापा से झगड़ा मत करना। ओहो अच्छा बेटा, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। मम्मी कुछ नहीं कुछ नहीं, मैं बाद में बात करूंगी, अभी तुम फोन बंद करो। जी जी जी। ये मैंने क्या किया, गेस्ट तो घर में ही थे, आज फिर मैंने इन्हें लड़ने का मौका दे दिया, अब क्या करूं? दही भल्ले से बनाती हूँ इन्हें, वही कमजोरी है इनकी, अभी लाती हूँ। लो जी दही भल्ले। मेरा सर पर गिर दे ना दही भल्ला ने। मेहमान कहाँ गए? मान भेज दिए, मेहमान चले गए तेरा रूप देख कर। ऐसा रूप दिखाया था ना, अपनी बेटी सुमन का रिश्ता लेकर आए थे हम। हाँ। सारा दिन यूए कलेश रहा तेरा,
दही बल्ले दही बल्ले सारा कुड़ के ऊपर कर्जा ले जाना जाके दही बल्ले। हेलो, ये मैंने क्या कर दिया? कर दिया बैठ का खा ले कौन मन है। ओह माय गॉड, आज कुछ ना कुछ तो मम्मी पापा करना ही पड़ेगा। ये जस खीर ने चूड़ियां खड़ी है बस। आप लोगों की रोज रोज की बकवास से ना मैं बहुत तंग आ चुकी हूँ। इतना करया सारा कुछ मैंने निकलिया कुछ भी। अभी अभी मेरे फ्रेंड का फोन आया, उन्होंने बोला कि आप लोगों ने घर में जुलूस निकाला है, मेहमान आए हुए थे। मैं कुछ नहीं बोला, इसने करया सारा कुछ, या खरीदे ही बल्ले लिया। तुम लोग दही बल्ले खाओ और मैं जा रही हूँ घर छोड़ के। क्यों जा रही बैठे? जा रही हूँ मैं घर छोड़ के, मुझे नहीं जाना यहाँ पे आप लोगों के साथ। नहीं बेटा नहीं, तुम कहीं नहीं जाओगी। क्यों? मेरे को तो जाना है, मेरे को रहना ही नहीं आप लोगों के साथ। सॉरी, देखो सॉरी। नहीं नहीं, मुझे मुझे तो रहना नहीं, बस नहीं रहना मुझे। अरे बेटा आप नहीं लड़ते हम। करो प्रॉमिस। हाँ बेटा प्रॉमिस, ये लो दही बल्ले की कसम और खा लो दही भल्ला। और तेरी मम्मी के साथ हम मैं बिल्कुल नहीं लड़ता, खा ले बेटा, हमारा भी कोई झगड़ा नहीं। चौधरी साहब, मैं तो घर छोड़ के जाऊँ छू। क्यों? ये खुशी राम का काम तो जड़े किसी घर में खुशी उड़ रहा होगा, हमारे घर में तो रोज जूत बाजे से। भाई सुन ले, मारा भी कलेश समझौते में तब्दील हो गया। हाँ। और मारा भी मौजे मौजर सुखी सुख रहेगा। हाँ। प्रॉमिस कर लिया। हाँ। और तेरे के लिए प्रॉमिस, ला दही भले खा और जाकर भीतर तीन कप चा के लिया। हाँ। हाँ। तो चौधरी साहब, दही भल्ला भी खाऊंगा और स्वादिष्ट चा बनाऊंगा। मम्मी बहुत अच्छा है, आप भी पापा को खिलाओ। तो जी आप भी दही भल्ला खाओ। अच्छा, नमक है, नमक ठोकरा क्या इसमें? नमक नहीं है जी, मीठा है इसमें। अरे गुड़ के रखा मीठा नहीं इसमें। जब सुमन को अच्छा लगा तो आपको क्यों खराब लग रहा है? नमक खान जाए सार, मेरा बीपी बजा है। बस जी, आपका तो यही काम है, कितनी अच्छी चीज बना के देना आपने। बस करो।